हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियाज़ लर्निंग एकेडमी पे। और जिस स्टोरी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द जयकाल एंड द ड्रम, सियार और ड्रम की कहानी। ये जयकाल है और ये क्या है, ड्रम है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी में कौन कौन सी घटनाएँ घटती हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, अ जयकाल वांडर्ड अवे फ्रॉम हिज जंगल। अजयकाल, जयकाल मीन्स क्या होता है, सियार। जयकाल मीन्स क्या होता है, सियार। वंडर्ड अवे मीन्स क्या होता है, भटक जाना। अजयकाल वंडर्ड अवे फ्रॉम हिज जंगल, एक सियार अपने जंगल से भटक गया, अपने जंगल से भटक करके कहीं दूर चला गया। एंड रीच्ड अ डिजर्टेड बैटल फील्ड, एंड रीच्ड और पहुंचा अ डिजर्टेड बैटल फील्ड, एक वीरान। डिजर्टेड में क्या होता है, वीरान। और एक वीरान युद्ध स्थल पर पहुंच गया। बैटल फील्ड क्या होता है, युद्ध स्थल। एक वर्ड को समझते चलेंगे और स्टोरी को भी ट्रांसलेट करते चलेंगे। अजयकाल वांडर्ड अवे फ्रॉम हिज जंगल, एक सियार अपने रास्ते से भटक गया, एक सियार अपने जंगल से भटक गया। एंड रीच्ड अ डिजर्टेड बैटल फील्ड, और एक वीरान युद्ध क्षेत्र में, युद्ध स्थल पर पहुंच गया। ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। हंग्री मीन्स क्या होता है, भूखा। ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। एंड सो ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर फूड, एंड सो ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर फूड, इसलिए वह भोजन की तलाश करने लगा। लुक फॉर मीन्स क्या होता है, लुकिंग फॉर मीन्स क्या होता है, तलाशना। लुक फॉर मीन्स क्या होता है, तलाशना। एंड सो ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर फूड, और इसलिए वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा, और इसलिए वह भोजन की तलाश को शुरू किया। व्हेन हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, व्हेन जब हर्ड सुना अ स्ट्रेंज एक विचित्र साउंड, जब उसने एक विचित्र आवाज़ को सुना द जयकाल गॉट स्केयर्ड। स्केयर में क्या होता है, डरना। द जयकाल गॉट स्केयर्ड, सियार डर गया। एंड डिसाइडेड टू रन अवे, और वहाँ से भागने का निर्णय किया। रन अवे में क्या होता है, भागना। डिसाइडेड में क्या होता है, निर्णय करना। एंड डिसाइडेड टू रन अवे, और वहाँ से भागने का निर्णय किया। बट देन ही थॉट, लेकिन तभी उसने सोचा लेट मी केयरफुली सी हु इज मेकिंग दैट साउंड। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया, तो उसने सोचा। बट देन ही थॉट, लेकिन फिर उसने सोचा लेट मी केयरफुली सी मुझे ध्यानपूर्वक देखने दो, हु इज मेकिंग दैट साउंड, कौन कर रहा है दैट साउंड, उस आवाज़ को, वह आवाज़ कौन कर रहा है। एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, ही फाउंड एन अबंडेंट ड्रम, एक पड़ा हुआ बेकार ड्रम उसने पाया, लाइंग नेक्स्ट टू अ ट्री, जो कि एक पेड़ के बगल में पड़ा हुआ था। लाइंग मीन्स क्या होता है, पड़ा होना, जो कि एक पेड़ के बगल में पड़ा हुआ था। ही फाउंड, उसने पाया एक बेकार ड्रम पेड़ के किनारे पड़ा हुआ था। एंड एज द विंड ब्लू, और जैसे ही हवा चलती थी। एंड और एज, जैसे ही द विंड ब्लू, ब्लू मीन्स कहता चलना या बहना, और जैसे ही हवा चलती थी, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री पेड़ की शाखाएं रब्ड अगेंस्ट इट, इसको रगड़ती थी। रब मीन्स क्या होता है, रगड़ना। अगेंस्ट इट मीन्स क्या होता है, इसको क्या होता है, रगड़ती थी। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री रब्ड अगेंस्ट इट, पेड़ की शाखाएं इसको रगड़ती थी। मेकिंग साउंड, और इसी से आवाज़ निकल रही थी। जो ड्रम की आवाज़ थी क्या थी,
पेड़ की शाखाओं की रगड़ से उत्पन्न हो रही थी। ही वॉज रिलीव्ड, वह भयमुक्त हुआ। ये सब देखने के बाद वो क्या हुआ, भयमुक्त हुआ। एंड कंटिन्यूड टू सर्च फॉर फूड, और वह भोजन की तलाश के लिए फिर से निकल पड़ा। सो फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? फेस डिफिकल्टीज़, कठिनाइयों का सामना तो करिए इंस्टीड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम देम, उस परेशानियों से भागने की अपेक्षा फेस डिफिकल्टीज़, कठिनाइयों का सामना करिए। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ जयकाल एंड ड्रम की। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और पढ़ते रहिए ऑन इंडियाज़ लर्निंग एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।